तीन और 3:2 की मेजोरिटी से ट्रिपल तलाक को आज की तारीख से अवैध करार दे दिया गया है। क्या 6 महीने के लिए किया गया? नहीं, हमेशा के लिए। चीफ जस्टिस साहब का एक माइनॉरिटी ओपिनियन है जिससे जस्टिस नजीर को इत्तेफाक है, उसमें उन्होंने यह कहा कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि आर्टिकल 25 ये एक एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस है और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन मिला हुआ, इसलिए अन इस्लामिक नहीं है। यह है कि आप 6 महीने में कोई लेजिस्लेशन लेके आइए, लेकिन ये माइनॉरिटी जजमेंट है। मेजॉरिटी जजमेंट्स दो लिखे गए हैं, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने लिखा है, एक जस्टिस नरिमन ने लिखा है और जस्टिस उदय ललित को उन दोनों जजमेंट से इत्तेफाक है। उन जजमेंट्स के तहत उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को पे आधारित यह बात कही है कि ट्रिपल तलाक जो है वो बिल्कुल गैर इस्लामी है, गैर कुरानी है और क्योंकि वो आर्बिट्रेरी है इसलिए ट्रिपल तलाक इलीगल है और उसको आज की तारीख से ही सेट असाइड किया गया। कम से कम दो जजेस ने तो ये बिल्कुल साफ बात लिखी है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जस्टिस कुरियन जो मैंने एक मिनट बात सुन लीजिए पूरी, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने अब जो फैसला अभी सुनाया है उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि हाँ इट इज आर्बिट्रेरी एंड इट इज सेट असाइड, लेकिन अगर आर्बिट्रेरी और सेट असाइड है जाहिर है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पर ही किया होगा उन्होंने वो भी सेट असाइड। तो तीन जजेस ने आप मान लीजिए कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और सेट असाइड किया है। सरकार को निर्देश है कि आप एक जो है कार्रवाई शुरू कीजिए कानून बनाने के लिए, उसके साथ ये कहा है कि अगर उस अगर आज ये कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस कानून के ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक जो है उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं, तब तो जब तक वो कानून पास नहीं हो जाता तब तक वो इंजंक्शन चलेगा, लेकिन अगर उसके ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक को अपहोल्ड किया जाए तो बस उसी वक्त वो इंजंक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें बेमायने इसलिए हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी जजमेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेजॉरिटी जजमेंट विल रूल, द जजेस जजमेंट ऑफ द 3 जजेस जिसके बेसिस पे फाइनल ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर ये है कि ट्रिपल तलाक इज सेट असाइड फ्रॉम टुडे ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट जजेस।